नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत में पाटिया मोड़ पर ट्रांसपोर्ट यूनियन वागड़ ट्रक ऑनर यूनियन के सदस्य सरकार से अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ट्रक ऑनर यूनियन की माने तो सीमेंट फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना ई बिडिंग ट्रक ऑनर्स के लिए घाटे का सौदा बन रही है। इस ई बिडिंग ऑनलाइन व्यवस्था से ट्रक ऑनर्स को 25% तक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसे तत्काल रूप से यूनियन बंद कराने की मांग कर रही है। साथ ही आए दिन बढ़ते डीजल के दामों की वजह से खनन क्षेत्र में माल भाड़ा बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। जब तक सरकार उनकी उक्त मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक यूनियन ट्रकों का चक्का जाम रखते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। वागड़ ट्रक ऑनर यूनियन ने ऐलान करते हुए साबला एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वागड़ ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से हमने अभी धरना प्रदर्शन जो शुरू किया है, उसका कारण ये है कि डीजल की बढ़ती रेटों को देखते हुए हमारा आज दिन तक भाड़े के संबंधित कोई निकाल नहीं निकला है। इसके संबंधित हमने पाटिया मोड़ पे धरना प्रदर्शन कल से शुरू किया है, जिसके एवज में श्री माननीय मुख्यमंत्री जी, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, इनको हमने ज्ञापन सौंपा है।